कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो माति संगोस्तवि कर्मणि। जैसे जैसे इस कथा के मार्ग में आने वाला गीता का मोड़ पास आता जा रहा है, वैसे ही वैसे मेरे पास कहने योग्य बातें कम होती जा रही हैं, क्योंकि जो कुछ वो कहेंगे वो तो उनके अतिरिक्त कोई और कह ही नहीं सकता। परंतु दुख इसका है कि चूंकि मैं सामने भी देख सकता हूं, इसलिए देख रहा हूं कि आज से बहुत आगे कई क्षितिजों के उस पार बैठी हुई शताब्दियां उस श्री गोविंद वाक्य को पुस्तक बनाकर सिर पर तो रखेंगी, किंतु उसका कहा मानेंगी या नहीं मानेंगी ये मैं अभी नहीं कह सकता। ऐसे ही दूसरे अर्थपूर्ण वाक्यों का भी यही परिणाम होने वाला है। धर्म सिकुड़ जाएगा और लोग कर्म और कर्तव्य जैसे शब्दों को तो याद रखेंगे, इनके अर्थों को भूल जाएंगे या फिर इन्हें अपने निहित स्वार्थ की दलदल में धकेल देंगे। और मैं तब भी आज ही की तरह विवश खड़ा सब कुछ देखता रहूंगा, क्योंकि मैं समय हूं, हस्तक्षेप नहीं कर सकता, आशीर्वाद नहीं दे सकता, शाप नहीं दे सकता। और यदि मुझे हस्तक्षेप का अधिकार रहा होता
तो मैं गंगा पुत्र देवव्रत की जीभ पर अंगुली रख देता और उनसे कहता कि पितृ मोह में पड़कर ये प्रतिज्ञा न करो। जो कुछ हो रहा है ये उसी प्रतिज्ञा का परिणाम है कि जो अर्जुन बचपन में अपने जिन पितामह की गोदी में बैठा रहा करता था और गुरुश्रेष्ठ द्रोणाचार्य से आशीर्वाद लिया करता था, वही अर्जुन आज उन्हीं पितामह और उन्हीं गुरुश्रेष्ठ पर तीर चलाने जा रहा है। मुझे तो युवराज दुर्योधन कहीं दिखाई नहीं दे रहे। संभवतः वो हमारा गोदन लेकर दक्षिण की ओर निकल गए। तो फिर वहां चलो, पीछा करो उसका। जो आज्ञा। गंगा पुत्र, अर्जुन तो सीधा दुर्योधन की खोज में जा रहा है। तो उसे रोके कुलगुरु। वो हम में से किसी एक के रोके नहीं रोक सकता गंगा पुत्र। किसकी सेना है जो द्रोण शिष्य अर्जुन का मार्ग रोकने का साहस कर रही है? सावधान। युवराज चलिए उधर। जो आज्ञा। तुझसे सावधान। तुझसे युद्ध करना तो मेरे लिए अपमान का विषय है सूतपुत्र। किंतु क्या करूं, तेरी जीभ में गांठ लगाने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं और मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा। शब्दों के वान न चलाओ सभ्य बालक, अपना कांडी उठाओ और दिखलाओ मुझे कि तुम्हारे आचार्य द्रोण ने तुम्हें क्या सिखाया। सावधान। अर्जुन का गांडी है।
शासन पांचाली, ये तुम्हारे केस के लिए है। यदि मैंने इस दुष्ट को मार दिया तो मेरे भैया की प्रतिज्ञा का क्या होगा? अपने घाव से बहते हुए इस रक्त को प्रणाम करो युवराज, आज तुम तरुण हो गए। ये कैसा वाण था? ये सम्मोहन वाण है। परंतु इन्हें सुलाने से क्या लाभ? मार डालिए। नहीं, यदि इन्हें मार डाला तो इनके वस्त्र अशुद्ध हो जाएंगे। क्या आप राजकुमारी उत्तरा की गुड़ियों के लिए मृतकों के वस्त्र उतारेंगे युवराज? यह आपको शोभा नहीं देता। अब जाइए और कर्ण के गुलाबी, दुर्योधन के लाल और अश्वत्थामा के वस्त्र उतार लाइए। परंतु पितामह के वस्त्र नहीं उतारिएगा, उन्हें मेरे सम्मोहन वाण नहीं सुला सकते। अब जाइए युवराज। जो आज्ञा।
अब तो उनकी हत्या करने में कोई बाधा नहीं, मैं उनके वस्त्र भी ले आया हूँ। बाधा तो अब भी है युवराज, अब मर्यादा की बाधा है। मूर्छित योद्धाओं की हत्या एक क्षत्रिय की मर्यादा नहीं। ये जो मूर्छित पड़े हैं युवराज, ये ऐसे योद्धा हैं कैसे योद्धा आने वाले युगों में कदाचित ही जन्म ले। मैं ये नहीं चाहता कि कल इतिहास इस कुंती पुत्र अर्जुन पर यह आरोप लगाए कि उसने दिव्यास्त्र की सहायता से मूर्छित करने के उपरांत उनका वध कर दिया। यदि मुझे तुम्हारी चिंता ना होती युवराज, तो मैं उन्हें कदाचित मूर्छित भी नहीं करता। इसलिए अब राजधानी लौट चलिए। यदि महाराज लौट आए होंगे तो वे आपकी ओर से चिंतित होंगे। ठहरो युवराज, ये स्थान ब्रह्मनला का है, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपको पहचान लेने के पश्चात मैं ऐसा नहीं कर सकता। हे द्रोण शिष्य, मुझे अपना सारथी ही रहने दो। नहीं युवराज, ये उचित नहीं। यदि महाराज को यह पता चला कि वे पांडवों से सेवा लेते रहे हैं, तो इस सूचना के बोझ से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ये युद्ध आपने जीता है युवराज, ये युद्ध आपने जीता है। जब आप उनसे ये कहेंगे कि जिस सेना में गंगापुत्र भीष्म, गुरुवर द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे सूरमा थे, आपने उस सेना को यूं हरा दिया जैसे पवन धारदार नखों से बादलों को फाड़ कर उनके टुकड़ों को आकाश में बिखेर देता है। यह सूचना सुनकर उनकी आयु दुनी हो जाएगी युवराज, दुनी हो जाएगी। अब आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए युवराज, और मुझे अपने स्थान पर बैठने दीजिए। चाहिए जो आगे। चलें द्रोण शिष्य अर्जुन। हाँ, परंतु लौटना तो आप ही के रथ पर पड़ेगा, और ये अस्त्र शस्त्र भी उसी वृक्ष पे रखने पड़ेंगे। जो आज्ञा। क्या पिताश्री ये मान लेंगे कि मैंने कुरुसेना को परास्त किया है? वो चाहने वाले पिता हैं, वो अवश्य मानेंगे। लोग कहते हैं कि मैं बड़ा बलवान हूं, ये सुनकर मुझे हंसी आ जाती है, क्योंकि मैं तो शक्ति और अशक्ति के क्षितिजों के उस पार हूं। मेरे संदर्भ में तो इन दोनों शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं है। मैं तो तुला की डंडी हूं, पलड़ा तो है स्वयं जीवन और बाट है कर्म। मैं तो केवल ये देखता रहता हूं कि कोई डंडी न मारने पाए, किंतु जो डंडी मारने का प्रयत्न करेगा वो अंत में भुगतेगा भी। शकुनी, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन इत्यादि अभी तक डंडी मारते आए हैं, परंतु आज देखिए तो घाटे में कौन रहा? आज रणभूमि में नग्न कौन पड़ा है? और किसका ध्वज विजय श्री का प्रणाम स्वीकार कर रहा है? अभी तक गुप्चर भी नहीं लौटे। कुमार को अकेले नहीं जाना चाहिए था, तुमने जाने ही क्यों दिया उसे? क्या तुम नहीं जानती थी कि कुरु सेना के साथ किस किस के ध्वज आएंगे? भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, और इनमें से किसी एक को भी इंद्र तक नहीं ललकार सकते, और उस सेना के साथ तो कदाचित तीनों ही आए होंगे। आप युवराज की ओर से चिंतित ना हो महाराज, कुमार के विजय लौटने के शुभ समाचार की प्रतीक्षा कीजिए। ब्रह्मनला, वो हराएगी गंगा पुत्र भीष्म को,
द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, दुर्योधन को तुम विक्षिप्त तो नहीं हो गए कंक? ब्रिहन्नला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है महाराज। वो क्लीव नपुंसक, वह तो पूरा व्यक्ति भी नहीं, वह अधूरा व्यक्ति मेरे पुत्र की क्या रक्षा करेगा? राजभवन के सारे दीप बुझा दिए जाएं कि हम अपने पुत्र की चिंता में हैं। बधाई हो महाराज, बधाई हो। मैं तो मूंगे पन्ने की माला लूंगी। किस बात की बधाई मूर्ख? क्या समाचार लेकर आई है? क्या यह समाचार कि मेरा पुत्र वीरगति को प्राप्त हुआ? युवराज रण जीत कर लौट रहे हैं महाराज। रण जीत कर? क्या कह रही हो तुम? ये ठीक ही कह रही होगी महाराज, ब्रिहन्नला जो साथ है युवराज के। फिर वही ब्रिहन्नला? तुम्हें यह समाचार किसने दिया? सारा नगर इस शुभ समाचार के वसंती रंग से होली खेल रहा है महाराज। महाराज की जय हो। सुना तुमने, कुमार ने गुरु सेना को पराजित कर दिया। ब्रिहन्नला तो विजय का ध्वज है ही महाराज। राजभवन की ओर आने वाले मार्ग पर झंडे लगाए जाएं, देवी देवताओं की मूर्तियों को फूलों की मालाओं से सुसज्जित किया जाए, मत्स्य देश के योद्धा, राज परिवार के सारे सदस्य, गायक और नर्तक कुमार के स्वागत के लिए जाएं और उसे सीधे मेरे पास लाएं, ताकि मैं अपने विजयी पुत्र के माथे पर चुंबन दे सकूं। पुत्रा से कहा जाए कि वह अपने प्रिय अनुज के स्वागत के लिए राजभवन के द्वार पर प्रतीक्षा करे। सैरंधरी, पांसे लाओ। जो आज्ञा महाराज। उत्तर के आने तक हम कंग के साथ चौसर खेलेंगे। मादकता और द्यूत का कोई मेल नहीं है महाराज। मादकता? आनंद का अपना एक विशेष मत होता है महाराज। तुम यही सोच रहे हो ना कि आज तुम मुझे हरा लोगे? मैं आज तुमसे हारने के लिए ही खेलना चाहता हूं कंग, क्योंकि युद्ध में जो तुमने मेरी सहायता की थी उसका तुमने पारितोषक नहीं लिया। आज चौसर में मेरी पराजय ही तुम्हारा पारितोषक होगा। जो आज्ञा महाराज। बैठो कंग। मैं ये सोच कर फूला नहीं समा रहा कंग कि मेरे पुत्र ने भीष्म पितामह की सेना को पराजित कर दिया। ब्रिहन्नला जैसा सारथी हो तो विजय पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए महाराज। दुष्ट ब्राह्मण उस नपुंसक से मेरे पुत्र की तुलना करता है। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे योद्धाओं को वो क्लीव पराजित करेगा। ब्रिहन्नला से तो राजकुमार की तुलना हो ही नहीं सकती महाराज। ये क्या कर रही हो? महाराज की जय हो। युवराज ने राजभवन में प्रवेश किया, राजकुमारी उनकी आरती उतार रही हैं। सुनो, इसका प्रयत्न करो कि कुमार के साथ अर्जुन यहाँ ना आए, क्योंकि तुम तो जानती हो वो मेरा बहता हुआ लहू नहीं देख सकता, वो महाराज को मार डालेगा। जाओ, चली जाओ। हाँ। उत्तरा दीदी, आरती तो युवराज के विजय के पीछे पीछे राजकुमारी की गुड़ियों के लिए कुरु योद्धाओं के वस्त्र भी आए हैं। सच? हाँ। ब्रिहन्नला, ये सुनाकर तो तुमने मुझे बहुत प्रसन्न कर दिया। धन्यवाद। आप कैसे हैं? तुम कैसी हो सैरंधरी?
आओ पुत्र आओ। आयुष्मान भव। पिताश्री इन्हें क्या हुआ? इस दुष्ट को मैंने मारा है पुत्र। आपने? मैं महाराज की ओर से क्षमा चाहता हूं। मैंने तो उन्हें चोट लगने से पहले क्षमा कर दिया था युवराज, किंतु यदि मेरे रक्त की एक बूंद भी इस भूमि पर टपक गई होती तो इस राज्य की सीमा रेखा मिट गई होती, और मैं ये नहीं चाहता था, क्योंकि इस राज्य ने मुझे तब आश्रय दिया था जब मुझे इसकी आवश्यकता थी। लहू धर्म का जब गिरे करे धरा का नाश, सैरंध्री आगे बढ़ी लिए धर्म विश्वास, लिए धर्म विश्वास। प्रणाम महारानी। प्रणाम महाराज। हे पुत्र यहां और मेरे निकट बैठो कि मैं तुम्हारे मुखड़े का तेज देख सकूं। मुझे विस्तार से बताओ कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे महारथी तुम्हारे बाणों की बरखा से कैसे भागते हुए दिख रहे थे, और वो कर्ण जो एक साथ सैकड़ों बाण चला सकता है तुमसे कैसे लड़ा? युद्ध मैंने नहीं जीता है पिताश्री, मैं तो शरद ऋतु में झड़ी हुई किसी पत्ती की भांति रणभूमि से पवन के पंख लगाकर भाग खड़ा हुआ था। फिर एक देवपुत्र ने मुझे रथ पे बिठाया, मुझे अपना सारथी बनाया, और मेरे स्थान पर उसने कुरुसेना से युद्ध किया। हे पिताश्री, ये उसके धनुष से निकले हुए वाण थे जिन्होंने भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा और कर्ण जैसे योद्धाओं के छक्के छुड़ा दिए। ये विजय उसी की है पिताश्री, मेरी नहीं, और यही सत्य है, संपूर्ण सत्य। तो वो महायोद्धा कहाँ है पुत्र जिसने तुम्हारी और मेरे राज्य की रक्षा की? उसके प्रति आभार प्रकट करना मेरा कर्तव्य है। वो तो युद्ध के समाप्त होते ही लुप्त हो गए थे। बृहन्नला, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुमने बड़े जोखिम में हमारे पुत्र का साथ दिया। ये तो मेरा कर्तव्य था महाराज, और ये तो राजकुमार की नम्रता है जो ऐसा कह रहे हैं। इस विजय में ये बराबर के भागीदार हैं। माना कि वो योद्धा भी युद्ध विद्या जानता था, परंतु यदि सारथी निपुण ना हो तो कोई महारथी युद्ध नहीं जीत सकता महाराज। किंतु तुमने तो उसे युद्ध करते देखा होगा, कौन था वो योद्धा? पिताश्री, पिताश्री ये देखिए कुरु योद्धाओं के वस्त्र। ये लाल वस्त्र दुर्योधन के हैं, ये नीले वस्त्र अश्वत्थामा के हैं, और ये गुलाबी वस्त्र अंगराज कर्ण के हैं। उत्तरा, अभी बालपन के खेल छोड़ो पुत्री, गुड़ियों के खेल में लगी हुई हो। ये तो स्वयं तुम्हारे ब्याह के दिन हैं। मेरी पुत्री मुझ पर कोई बोझ नहीं है कि सदैव तुम उसे भगाने की योजना बनाती रहती हो। आहा, तो क्या इसे ब्याहना ही नहीं है? पुत्री तो पराया धन होती है आर्य पुत्र, उसके प्रति इतना मोह ठीक नहीं। पुत्री पराया धन होती है तो क्या किसी की झोली में डाल दूं? पहले उसके योग्य कोई वर तो मिल जाए। पुत्री अपनी माताश्री को कहने दे, पुत्री उस दिन बड़ी होती है जिस दिन उसके योग्य कोई वर मिल जाए। आज से अपने जाने के दिन गिनना आरंभ कर लो दीदी।
आयुष्मान भव, बैठो उतरा। कल महारानी ने जो विवाह वाली बात की थी उसका रंग तो अभी तक राजकुमारी के मुखड़े से उतरा नहीं। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। अच्छा एक बात बताइए। हाँ। आपने तो गांडीवधारी अर्जुन के साथ दिन बिताए हैं। भारतवर्ष के सभी महारथियों को निकट से देखा होगा। देखा तो है। तो ये बताइए, यदि मेरा स्वयंवर हो तो मेरी वरमाला के योग्य कौन है? जो भा जाए। भारतवर्ष तो योद्धाओं का देश है राजकुमारी। ये ना पूछो कि तुम्हारी वरमाला के योग्य किसका कंठ है, ये पूछो कि तुम्हारी वरमाला किस कंठ के योग्य है। चलिए यही सही। जिन्हें युवराज ने रणभूमि में पराजित किया है उनमें से तो कोई ऐसा नहीं जिसे मेरी शिष्या अपनी वरमाला से सम्मानित करे। तो फिर बचा कौन? मेरे विचार में तो केवल एक कंठ ऐसा है जो तुम्हारी वरमाला को सम्मानित कर सके, या जो तुम्हारी वरमाला के योग्य है। और वो कौन है? महाराज पांडु का पौत्र, श्री कृष्ण का भांजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। आपने तो सुभद्रा पुत्र को देखा होगा? देखा तो अवश्य है महाराज कुमारी, किंतु तब वो बहुत छोटे थे। 13 बरस हो गए सुभद्रा पुत्र को देखे हुए। 13 बरस। प्रणाम। प्रणाम युवराज। हाँ, आज मेरी बहन बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही है। भैया आइए युवराज, विराजिए। अब तो ये भेष छोड़िए तात। बड़े भैया की आज्ञा के अनुसार हम लोग कल अपने भेष में आएंगे और महाराज से जाने की आज्ञा भी लेंगे। कल? कल क्यों, आज क्यों नहीं? हम लोग बड़े भैया से प्रश्न नहीं करते कुमार, हम लोग तो केवल उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। और उनकी आज्ञा पालन का दंड भी झेलते हैं। जिसे तुम दंड कह रहे हो कुमार, वो पारितोषिक भी तो हो सकता है। अब हम जन समुदाय से पूरे विश्वास सहित ये कह सकते हैं कि द्यूत एक सम्मान लेवा रोग है, कि द्यूत मर्यादाओं को आत्महत्या की सीमा तक ले जा सकता है, कि द्यूत भाइयों और पत्नी को व्यक्ति से वस्तु बना सकता है। अपनी इस यात्रा से हम जन समुदाय के लिए ये उपहार लेकर इंद्रप्रस्थ लौटेंगे, इसलिए यदि ध्यान से देखो तो ये सौदा महंगा नहीं है। इसलिए हे महायोद्धा उत्तर, उनकी आलोचना ना करो। उनकी आलोचना के लिए तो ऋषियों महर्षियों के मुंह छोटे पड़ जाते हैं, और छोटे मुंह को बड़ी बात शोभा नहीं देती। मैं क्षमा चाहता हूं। तनिक ध्यान दो कुमार कि यदि मैं अकेला समूची कुरु सेना को पराजित कर सका तो यदि हम पांचों भाई धनुष उठा लेते तो कौन सी सेना हमारे सामने टिक सकती थी। यह जानते हुए भी कि गंधार नरेश ने हमारे साथ कपट किया है, हमने अपनी हार को स्वीकार किया, क्योंकि नारायण के अतिरिक्त कोई भी ऐसा नहीं जिसे कभी ना कभी पराजय का सामना ना करना पड़े। तो हमने पराजय का स्वाद चखा। पराजय बहुत कड़वी होती है युवराज, बहुत कड़वी। आत्मसम्मान की जीप इसकी कड़वाहट में ऐंठ जाती है, अर्जुन को बहन नला बना देती है, भीम को रसोईया बना देती है, धर्मराज सम्राट युधिष्ठिर को कंक बना देती है, और द्रौपदी जैसी रानी को सैरिंद्री। इसलिए तुमसे जो हार जाए ना कुमार, उसका कभी अपमान ना करना, क्योंकि युद्ध में हारने वाला भी आदरणीय होता है। जब ही तो कह रहा हूं द्रोण शिष्य कि आप सबका
यहाँ बड़ा अपमान हुआ है। कंग समझकर पिताश्री ने धर्मराज महात्मा युधिष्ठिर को घुड़का भी दिया होगा। सरेंद्री समझकर माताश्री ने महारानी द्रौपदी का अपमान भी किया होगा। उन्हें दासी समझकर मेरे मामा कीचक ने उन्हें अपनी वासना की दलदल में घसीटने का प्रयत्न तो कर ही डाला था। आप इस राज परिवार और इस राज्य को क्षमा कर दीजिए। जिस राज्य में हमें आश्रय मिला हो कुमार, वो राज्य हमारे लिए सदैव आदरणीय रहेगा। परंतु तुम राजा बनने वाले हो, इसलिए समझो कि एक दासी भी नारी होती है और आत्मसम्मान पर किसी दासी का किसी महारानी से अधिकार कम नहीं होता। दास या दासी होना तो केवल दुर्भाग्य है, तो किसी को केवल उसके दुर्भाग्य के लिए तिरस्कृत करना स्वयं विधाता का तिरस्कार करना है। इसलिए अपने दास और दासियों के साथ सदैव अच्छा व्यवहार रखो। कि तुम ये क्या जानो कि आज जो दास है वो कल कौन था? भगवान करे तुम्हें कभी वो दिन ना देखने पड़े जो हमें देखने पड़े। भूमिपति महाराज अधिराज पधार रहे हैं। कंक, तो ज्वारी का ये साहस कि क्षत्रियों के वस्त्र पहनकर वो स्थान ग्रहण किए हुए हैं जो अतिथि राजाओं के लिए नियत है। पिताश्री, इनके स्थान ग्रहण करने से इस राज्यसभा का मान बढ़ गया है। युवराज, युवराज ठीक कह रहे हैं महाराज। आपने जिस व्यक्ति को ये स्थान ग्रहण करने से रोका है, ये तो वो महात्मा है कि यदि इंद्र के सिंहासन पर विराजमान हो जाएं, तो स्वयं इंद्र इनका आभार प्रकट करें कि इन्होंने उनके सिंहासन पर विराजमान होकर उनके सिंहासन का मान बढ़ाया है। इनका इस राज्यसभा में होना इस राज्यसभा के लिए गौरव की बात है, क्योंकि ये ज्येष्ठ कुंती पुत्र सम्राट युधिष्ठिर है। महाराज, सम्राट युधिष्ठिर। सम्राट युधिष्ठिर, सम्राट युधिष्ठिर, 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 सम्राट युधिष्ठिर, यह सम्राट युधिष्ठिर है। तो अब तुम ये कहोगे कि यह रसोईया बल्लभ सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम है और तुम स्वयं द्रोण शिष्य अर्जुन हो। निसंदेह महाराज, और ये मेरे अनुज नकुल और सहदेव हैं। आपके प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट किए बिना चले जाना हमने उचित नहीं जाना। महाराज, आपने हम पर जो उपकार किया है उसे हम पांचों कुंती पुत्र सदैव याद रखेंगे, क्योंकि हमने अपना अज्ञातवास आपकी कृपा की छत्र छाया में बिताया है। अपनी राज्यसभा में इनका स्वागत कीजिए पिताश्री। भारतवर्ष का इतिहास सदैव आपका नाम आदर सहित लेगा कि आप साल भर इन आदरणीय पांडवों के आतिथेय रहे। यदि ये पांडव हैं तो महारानी द्रौपदी कहाँ है? माताश्री के प्रसादिका के रूप में आपने उन्हें साल भर देखा है पिताश्री। हे ज्येष्ठ कुंती पुत्र, हे धर्मराज, हे राजर्षि, हे सम्राट युधिष्ठिर, अनजाने में आपको कंक मानकर मैंने हर दिन आपका अपमान किया है। महारानी द्रौपदी को सहरेंद्री जानकर अपमान किया है, आपके महारथी भ्राताओं का अपमान किया है। आप दया और धर्म के प्रतिबिंब हैं। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। आप या नहीं बल्कि उस राज सिंहासन पर विराजिए, क्योंकि इस राजसभा में केवल
वही एक ऐसा स्थान है जिस पर आप विराजमान हो सकते हैं। मेरा विनम्र निवेदन स्वीकार कीजिए सम्राट युधिष्ठिर, स्वीकार कीजिए। हे राजन, वो क्षत्रिय नहीं हो सकता जो अपने आतिथ्य की राज्यसभा में स्वयं उसके सिंहासन पर बैठ जाए। वो आपका स्थान है, अपना स्थान ग्रहण कीजिए महाराज। कुछ न कुछ तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा सम्राट। हम पांचों भाई आपका स्नेह तो स्वीकार कर ही चुके हैं राजन। द्रोण शिष्य ने मेरे पुत्र को जीवन दान दिया है सम्राट, इसलिए मैं अपने स्नेह पर अपने हस्ताक्षर के रूप में अपनी पुत्री उनकी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूं। उत्तरा? उत्तरा मेरी शिष्या है महाराज, मेरी शिष्या। उसमें मैंने सदैव अपनी पुत्री का रूप देखा है, परंतु मैं आपका पुरस्कार अस्वीकार भी तो नहीं कर सकता। यदि राजकुमारी को कोई आपत्ति ना हो तो मैं उन्हें अपनी पुत्र वधु के रूप में स्वीकार करता हूं। मेरा पुत्र श्री कृष्ण का चहिता है, और हे राजन, यदि संसार के सारे महारथी एकत्रित हो जाएं, तो मेरा पुत्र अभिमन्यु उन सारे महारथियों में अपने तेज द्वारा दूर से पहचाना जा सकता है, दूर से। प्रणाम भ्राता श्री। सौभाग्यवती भाव, ये सारे कक्ष में तुमने आभूषण क्यों फैला रखे हैं सुभद्रा? क्या भैया ने आपसे नहीं कहा? क्या नहीं कहा? कल संध्या काल आए और बोले सुभद्रे, क्या तुम अभिमन्यु का विवाह नहीं करोगी? अच्छा, तो मैंने कहा करूंगी क्यों नहीं, किंतु उसके पिताश्री को तो आ जाने दीजिए। तो बोले, तुम्हारे और पार्थ के बीच में तो मैं पड़ता नहीं, किंतु तुम अपनी पुत्र वधु के लिए आभूषण तो चुनना आरंभ करो। क्या पता कब पार्थ का पत्र आ जाए कि अभिमन्यु को लेकर आ जाओ, उसका विवाह करना है। ये सारे आभूषण तो मैं अपनी पुत्र वधु के लिए इंद्रप्रस्थ ही से बनवा कर चली आ रही हूँ भैया। अच्छा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसे ये सूचना मुझसे पहले ही मिल गई। सूचना कैसी दाऊ? आज ही विराट नगर से अर्जुन का पत्र आया कि मत्स्य नरेश की पुत्री सौभाग्य कांक्षिणी उत्तरा से अभिमन्यु का शुभ लग्न निश्चित हो गया है, और सम्राट युधिष्ठिर ने भारतवर्ष के सारे राजाओं को आमंत्रित भी किया है। क्या हस्तिनापुर वालों को भी? अवश्य किया होगा, वो तो घर वाले हैं। ब्याह बने अभिमन्यु का, कुरुकुल मिलन सुयोग, इसी आस विश्वास पर किए निमंत्रित लोग। कुल दर्पण में दर्प की जब जब पड़े दरार, विकृत रूप संवारना।